क्लास सेवन लगे हम लोग चैप्टर वन कंटिन्यू करने वाले हैं, कन्वर्ट ही पढ़ेंगे। और जो कन्वर्ट में मैंने जैसा लास्ट सेशन में बताया था, हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल में पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1101 और डेसिमल बाइनरी में मतलब टू होता है, तो हम इसके नीचे टू जरूर लिखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम इन सभी डिजिट्स को एक्सपेंड करेंगे। तो हम पहले लेंगे वन में हम लोग सबके साथ टू को जरूर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाइनरी का मीनिंग ही होता है टू। आप देखिए हमारे जो वैल्यू स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3, तो इसका जो हम लोग राउंड ऑफ मतलब इसका जो बेस वैल्यू हम लेंगे 3, देन प्लस 1 इंटू 2, यहाँ पे हम लेंगे 2, देन प्लस 1 इंटू 0 और उसके साथ होगा 1 हमें सॉरी 2 और उसके साथ होगा 1, देन प्लस 1 इंटू 0 सॉरी 2 और उसके साथ होगा 0। देखिए 2 2 2 2 सबके साथ जाएगा, लेकिन उनके जो यहाँ 0 आएगा, मुझे ये वाली डिजिट लेनी है, यहाँ पे 2 के साथ 0, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 3, 0 1 2 3, इस तरीके से ही हमें लिखना है। नेक्स्ट इनको हम लोग सॉल्व करेंगे एज इट इज, जैसा मैथ्स में होता है 1 2 का क्यूब क्या होता है 2 2 4 4 2 8, तो यहाँ पे 8 आएगा प्लस 1 2 2 4 प्लस, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर तो 0 ही आना है। और यहाँ पे 2 का 0 है, दैट मीन्स जब भी कोई वैल्यू का मीन्स बेस यहाँ पे 0 हम लोग आप लोगों ने एक्सपोनेंट में हम लोग उसका वैल्यू अगर पावर 0 होता तो 1 माना जाता है, दैट मीन्स 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 ही आएगा। 8 1 8 4 1 4 प्लस 0 प्लस 1, इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो जो हमारी वैल्यू आएगी 8 9 10 11 12 प्लस 1 30, और 30 डेसिमल में है तो नीचे 10 जरूर आएगा। इस तरीके से हम मैं फिर से एक बार इसी को एक्सप्लेन करूँगी, बाइनरी टू डेसिमल है, हमारे पास एग्जांपल है 1 1 0 1 2, हम लोग 1 1 0 1 को स्प्लिट करके लिखेंगे 1 1 0 1, सबके साथ 2 को ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 2, लेकिन उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग हम उन्हें अरेंज करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोगों ने जो ये वाला वन है उसके साथ 0 लिया है, देन 1 2 3, इनकी पावर्स हमें इसी तरीके से अरेंज करनी है। 1 2 के साथ पावर उसकी 3 है, तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, उसका आंसर आएगा 8 प्लस 1 2 2 की हमारी पावर है 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 2 2 4 प्लस 0 इंटू 2, जब भी किसी नंबर के साथ 0 इंटू होता है तो उसका आंसर 0 ही होता है। देन यहाँ पे 2 की पावर 0 है, जब भी किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 ही माना जाता है, तो 1 इंटू 1 हमारा 1 ही आएगा। देन 8 इंटू 1 8, 4 इंटू 1 4, 0 अगेन 0 1 इंटू 1 1, इन सबको मैंने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 13, और 13 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। आप इसको रिवर्स करके भी प्रैक्टिस करोगे, अगर 13 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो भी आपका आंसर 1101 ही आएगा। हम लोग जितने भी डिजिट्स हैं इन्हीं तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं।